वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बच्चे भी रेडी हो गए हैं। बच्चे क्या, अंशी रेडी हो गई, देवांश को आज नहीं लेके जा रही हूँ मैं। और अंशी को स्कूल छोड़ के उसके बाद ना मुझे वहाँ से थोड़ा सामान लेना है। आटा खत्म हो गया घर पे, तो आटा मंगवाना है मेरे को। दीदी के बाल बिगड़ जाएंगे, ये ना बहुत जलता है अपनी दीदी से, स्कूल जाती है ना अंशी। तो अभी बस चाय पी रही हूँ मैं। अंशी का वैसे टाइम तो हो गया, भैया आने वाले भी होंगे रिक्शे वाले। और अंशी को बस जूते पहनाने बाकी हैं। और अभी पता है मैंने 2-3 दिन से व्लॉग क्यों नहीं शूट करा था, क्योंकि ना मेरा जो अभी 2-3 व्लॉग मैंने बनाए थे अंशी के स्कूल जब से स्टार्ट हुआ है ना तब से, तो उन व्लॉग्स में पता नहीं यार क्यों कमेंट ऑफ हो रहे थे। तो ना गुस्सा आती है देख देख के, इतना मतलब मेहनत करो, सारा क्लिप ऐड करो, फिर उसके बाद व्लॉग डालो, अपलोड करो, उसके बाद कमेंट ऑफ हो जाता है। कमेंट जब आते हैं ना तो मतलब अच्छा लगता है, अप्रिशिएट होते हैं हम लोग कि हाँ अच्छा लगता है देख देख के कि मतलब आप लोग देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो और अच्छा करने का मन करता है। फिर जब कमेंट ऑफ हो जाते हैं ना तो फिर वो इंटरेस्ट सा नहीं रहता। तो अंशी का रिक्शा भी आ गया है, आ रही हूँ। देव नहीं जाएगा आज, तो चलो मैं ना देखती हूँ अंशी को और अभी चाय पी लूँ, या तो मैं चाय थोड़ी सी चाय अभी पी लेती हूँ, थोड़ी सी आने के बाद पीऊंगी मैं, डेली ऐसे ही करती है। जाने दो, हम नहीं जाएंगे आज। है क्या? और ब्रेड निकाल, ब्रेड है ताजा, तो एक ब्रेड निकाल देना। चॉकलेट निकाल है, 5-5 वाली है ना शायद चॉकलेट। ब्रेड छोटा नहीं अंकल, तो ये रहने, ये चलो है। कितने दिन तक नहीं एक्सपायर होगा ये? देख पड़िए जाओ, नया माल है। कहाँ? ये वो 14-7 तक नहीं होगा, 14 तक चलेगा। तो अभी सब इतना सारा सामान ले लिया है, कुछ बच्चों के लिए लिया है, कुछ देवांश के डायपर्स लिए क्योंकि बारिश होती रहती है ना। अंकल ये लेके जाते हैं वैसे भी, इधर से ज्यादा लेके जाते हैं, उधर तो कम जाते हैं। उधर एक वो नहीं, वैसे इन्होंने भी काफी दुकानों के नंबर नंबर, एक राम भैया की दुकान है ना उधर, दो भाई बैठते हैं ना जो, फाइनली अभी मैं आ गई हूँ घर पे और अब मैं सुकून से चाय पीऊंगी। जस्ट अभी आई हूँ, सारा सामान रखा है, चाय गरम करती हूँ और समोसे लेके आई थी मैं। और ये ना 2-3 दिन से मेरे को डेली बोल रहे थे कि पनीर लेके आ, पनीर लेके आ अपने लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि ना अंशी बहुत अच्छे से पनीर खाती है, मतलब अंशी को बहुत ज़्यादा पसंद है पनीर, तो उस वजह से बोल रहे मेरी मैं नहीं हूँ तो तू बच्चों को कमज़ोर कर देगी, मतलब इतना ध्यान रखती है बच्चों का। तो मैं ना अभी पनीर ले आई हूँ और देखती हूँ आज बनाऊंगी या कल बनाऊंगी, पता नहीं। कल तो क्योंकि उन्होंने ना हरी सब्जी भी भिजवा दी थी, जो दुकान वाले भैया ना हरी सब्जी वगैरह बेचते, तो वो भैया घर तक हरी सब्जी भी दे रहे थे, बट आज मैं पनीर भी ले आई हूँ। तो देखते हैं, एक एक चीज़ का इतना ध्यान रखते हैं ना कि अंशी को परसों ना हाथ में उसके अंशी के कुछ ऐसे नाखून ना एक्स्ट्रा कट गया था, तो वहाँ पर उसके दर्द हो रहा था, थोड़ा सा पक भी गया था, तो मैंने बस इनको बताया कि ऐसे हो रहा है, तो तुरंत ही उन्होंने ना दवाई भी भेज दी दुकान वाले जो भैया ना, क्योंकि हर किसी से इनका मतलब नेचर है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो एक कॉल करने पर तुरंत सब घर तक ही मतलब दवा गोली सब कुछ दे जाते हैं, और यहाँ पर हर किसी के साथ ऐसा होता है। और एक वो भी होता है, एक हेल्पिंग नेचर ना लोगों का भी बहुत अच्छा वो नेचर है कि हाँ तुरंत ही मतलब एक फ़ोन पे ही आ जाते हैं कि हाँ चलो घर तक दे के आते हैं, नहीं है घर में कोई ऐसे अभी, तो उस वजह बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ ना, इतना एक मतलब एक इक्वालिटी लगती है। तो अभी मैंने ना समोसे कर लिए हैं, खट्टी चटनी नहीं थी मुझे ना समोसे, खट्टी चटनी के बिना अच्छे नहीं लगते, पर मीठी चटनी है तो दीदी को दे दूंगी, दीदी अगर खाएंगी, पर मैं समोसे ऐसे खा लूंगी। चाय मेरी गर्म है, उसके बाद चैन से बैठ के पीऊंगी और अंशी को लेने दूसरी वाली दीदी जाएंगी,
छोड़ने मैं जाती हूँ, लेने वो दूसरी दीदी जाती है, क्योंकि उनके पास स्कूटी है, मेरे पास स्कूटी अभी नहीं है, तो उस वजह से मैं नहीं जा पाती। और अंकल घर तक आ जाते हैं तो मुझे ना ले मतलब छोड़ के आना ही ठीक लगता है, उधर अंकल मेरे को घर तक छोड़ जाते हैं। तो ये बोला अभी एक महीने तक ना तो ऐसे ही चला, ऐसे मतलब इजी भी है तुम्हारे लिए, अंशी मतलब अंकल आ जाते हैं घर पे और अंशी को ले जाना, तो वही ठीक है। सो चलो, और उधर वो सारा सामान रख दिया, आटा वगैरह खत्म हो गया। वैसे तो गांव से मंगा लेती, पर अब वही किसको फ़ोन करो, कौन आएगा कौन जाएगा, बारिश का मौसम वैसे ही है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी अपने आप ही खरीद लेते हैं। वैसे तो पिछली बार भी खरीदा ही था, तो चलो चाय पीते हैं ना। क्या हो गया अंशी, बंद मत करो इसे। तो अभी स्कूल से ना अंशी भी आ गई है, हैं? दे, और यहाँ पर बाहर ना बच्चों को इस वजह से ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि फिर कमेंट ऑफ हो जाते हैं, इस वजह से मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों होते हैं। और अभी ना बस काम नहीं कर रहे हैं, हेलो एवरीवन। तो अभी शाम का हो रहा है, मैं नहा के आ गई थी और अभी शाम का हो रहा है, 5 बज गए। मेरा फेस इतना काला काला क्यों आ रहा है? तो अभी मैंने ना कुछ भी फेस पे नहीं लगाया, सेम ऐसा मेरा फेस है। और अभी मैं लगा रही हूँ सब्जी में तड़का, और आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर। मैंने यहाँ पर मटर काट दिया है, मसाला भी पीस लिया है, और जब से ये गए हैं ना कोई भी काम टाइम पे नहीं होता है। और अभी मैं सब्जी रोटी बना रही हूँ क्योंकि ना कल रात की खिचड़ी रखी हुई थी, तो मैं सोच रही थी पहले ये खत्म हो जाए उसके बाद बनाती हूँ। दीदी बोली तो समोसे ले आई थी ना सुबह में, तो फिर और मन नहीं कर रहा था, दीदी कह रही थी भूख नहीं लग रही भाभी, तो दीदी ने तो चावल भी नहीं खाए, मैं तो खिचड़ी खा ली थी। तो अभी मैं सब्जी छोंक रही हूँ और अभी जाएंगे ना हम लोग मार्केट, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज मैं पनीर कैसे बनाती हूँ। बहुत टेस्टी लगता है मेरे को मेरे हाथ का पनीर, और इनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं यहाँ पर पनीर में तड़का लगा रही हूँ, उसके बाद जाएंगे हम लोग थोड़ी देर के लिए मार्केट, कुछ मेरे को लाना भी था चूड़ियाँ वगैरह, तो उस वजह से। सो चलो पहले ना मैं तड़का लगा देती हूँ, है ना, वीडियो बना लेती हूँ। ये थोड़ा मैंने डाल दिया इसमें खड़ा मसाला, एक पत्ता और डाल देती हूँ। ओके, उसके बाद मैं ये डाल देती हूँ टमाटर और लहसुन और प्याज का मसाला है, ये मैं डाल देती हूँ। ये मेरा अभी मसाला पक गया है, पानी ना अभी मैं इसको जल्दी से ना ज़्यादा पड़ गया, तो ये है मेरा मसाला भी पक गया है। और इसमें कुछ मैं ये डाल दूँगी, ये वाला पनीर जो मैंने क्रश करके रखा था, जो ना मैंने मैश करके रखा, ये भी गरम हो गया है, इस प्लेट पे रखी हुई। हाँ आ रही है, रुको, बच्चे ऊपर से चिल्ला रहे हैं पीछे से। इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी और चले देंगी, मटर थोड़ी कम डाली है, मटर डालते हैं दोबारा से। और मैं कौन सी रुको, मम्मा वीडियो बना रही है अपनी, तो इसमें मटर ना और डाल देती हूँ ये है। और इसमें थोड़ा सा ही पानी डाल दूंगी क्योंकि ना ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी ही अच्छी लगती है। धनिया नहीं है, धनिया ला नहीं पाई थी ना, तो ये आज सब्जी बना ली है, अभी कल तक चलेगी हमारी क्योंकि हम दो ही लोग हैं ना इस वजह से। और चलो अब ना गैस थोड़ी कम करके रख देती हूँ इसको, जो मैं तड़का लगा दिया मैंने। मेरी किचन थोड़ी सी अभी ऐसे ही फैली हुई पड़ी है, और अभी देश को ना मैं फीड करवा दूँ, देवांश को लग रहा है थोड़ा सा दूध पीता है ज़रूर वो मेरा। मैं यार कह रहा दूध छुड़ाऊँ, मुझे ज़रूर बताना अगर किसी को पता हो तो। हाँ छिपकली, हाँ छिपकली बहुत है, मैंने हमारे क्वार्टर में 2-3 छिपकली तो है। तो अभी मैं देवांश को दूध पिलाती हूँ, उसके बाद मैं होती हूँ तैयार। मैं चाय तो पी चुकी हूँ, दीदी पी रही है चाय। ये देखो ये वाली चमक आ रहा है, देखना इधर आना, इधर नहीं कौन ये अच्छी रही है, इसका अलग अपना है, ये कौन सी कीमत हो जाएगी, ये
ये भी लग रही है। चलो पहले इसको बाहर रहने दो, बाद में बताऊंगी ना। तो मार्केट से जैसे ही हम वापस आ रहे थे ना, मुझे ये सीट पर रखा हुआ ये पर्स मिल गया। और मैंने जो रिक्शे वाले अंकल हैं उनको बोला, तो वो मतलब वो बोल रहे थे कि मैडम हम कहाँ ऐसे पता लगाएंगे। तो आज ना मुझे ये पर्स मिला है किसी का, और मैं ना आप लोगों के सामने इसको ओपन करूँगी। अभी जस्ट अभी आए हैं हम लोग। अगर मुझे ना उनका नंबर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ना फिर मैं इनको अंकल को ही दे दूँ। ये कुछ वाले अंकल है ना, वो भी मना कर रहे थे लेने के लिए, बोल रहे थे कि मैडम आप अपने पास रखो। पर मैंने ना उन अंकल का नंबर लिया, मैंने कहा बाई चांस आपके पास आ सकते हैं ना अपना पर्स ढूंढते ढूंढते, तो फिर मैंने बोला मैं आपको वापस कर दूंगी ना ये, अगर मतलब नंबर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर चले आई लेने। तो रुको मैं ना पहले पानी दिला के आती हूं, और जैसे ये सब कार्ड है ना जैसे कि जैसे है वैसे ही रख देती हूं, नहीं तो बच्चे इधर के उधर कर देंगे, मेरे बच्चों का कुछ भरोसा नहीं। आ रही हूं दीदी, यार कार्ड तो इतने सारे हैं, नंबर तो किसी पे भी नहीं लिख रखा। और तो अभी ना मुझे एक ये नंबर मिला है, इस पे कॉल करके देखती हूँ मैं कहाँ है कौन है। तो मुझे ना जिनका जिन भैया का पर्स मिला था उनका नंबर भी मिल गया, तो अभी मैं उनको ना कॉल करने जा रही हूँ। तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि दूसरे वाले फोन में पैसे नहीं है, और मैं इस वाले फोन से ही कॉल कर रही हूँ ना, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। वैसे तो वो यहीं आसपास के ही लग रहे हैं क्योंकि उनके जो पैन कार्ड वगैरह सब कुछ है ना उनसे पता चल रहा है। तो मैं देखती हूँ एड्रेस वगैरह, सॉरी कॉल करके देखती हूँ, भैया परेशान तो होंगे यार, तो मैं एक बार उनको कॉल कर देती हूँ, कंफर्म कर देती हूँ। भी दे जाओ गेट पे, तो मैं तो अभी जा और अकेले भी हूँ मैं, तो मैं भैया रिस्क नहीं लूँगी, मैं नहीं जाऊँगी खुद। रिस्क नहीं मतलब इतना डर भी नहीं है कि आजकल बहुत अच्छे अच्छे भी लोग हैं, पर वही होता है ना कि मैं अकेले बच्चों को लेकर नहीं जा सकती। तो पड़ोस के भैया ना मैं उनको दे के आती हूँ पर्स, और उसके बाद भैया ना वहाँ गेट पे दे आएंगे। मैं पूछ के आती हूँ कि भैया हैं यहाँ ड्यूटी वगैरह पे गए, तो मैं पर्स लेके जाती हूँ जो भी उनके डॉक्यूमेंट वगैरह थे। तो ये रहा उनका पर्स, मैंने सारे डॉक्यूमेंट भाई रख दिए हैं इसमें, और मैं ना भैया से किसी से पूछ के आती हूँ अगर कोई घर पे हो तो। मैं पता आप लोग सोचोगे कि मैं लेके क्यों आ गई, क्योंकि मैं ना इसलिए लेके आ गई क्योंकि मैंने देखा इसमें बहुत सारे उस मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड बहुत सारे ही डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैंने सोचा पता नहीं आलतू फालतू हाथ लग गया ना, तो कहीं कोई इधर उधर ना फेंक दे, इस वजह से मैं ले आई थी। दीदी 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 वेट करो। तो अभी ना मैंने वो पर्स भैया देख के आ गए थे, और सुबह हो गई थी, रात को मैं ना बच्चों को सुलाते सुलाते मैं कब सो गई मुझे खुद नहीं पता चला। तो अभी मैं ये वाली वीडियो बना रही हूँ, और भैया दे आए थे, और कल शाम को फिर जब उनका पर्स उनको मिल गया ना जो भैया का था पर्स,
उन मतलब इतना सारा खुश हो रहे थे ना, वो इतनी सारी ब्लेसिंग दे रहे कि मैम आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं ये वो, और अच्छा किया कि आप अपने पास ले गए, नहीं तो रिक्शे वाले तो फिर वही पर भी तो इतना कोई वो रिस्क भी नहीं लेता कि ना फ़ोन करे यहाँ वहाँ करे। मेरे को नंबर नहीं मिला था, फिर मैंने ना उनका मतलब काफ़ी मुश्किल से तो उन भैया का नंबर मिला, उनके फ़ोन में तो कोई नंबर वगैरह कुछ पड़ा नहीं था उनका पर्स अपना खुद का, तो मैंने मतलब बैंक एक बैंकर थे उनका नंबर था, वो भी गाजियाबाद का था, फिर उन्होंने मुझे उनकी थोड़ा डिटेल बैंक अकाउंट से उनका नंबर निकाल के दिया, उसके बाद मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया, बट फाइनली मिल गए। मुझे खुद लग रहा था कि अगर नहीं मिला तो फिर मैं इस पर्स का क्या करूँगी, तो फिर फाइनली मिल गए और बहुत अच्छा लग रहा था। भैया बोल रहे थे मैं चॉकलेट दे रहा था उन भैया को, पर उन्होंने ली नहीं। मैडम मैं मतलब आपको कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आप मिठाई खा लेना, चॉकलेट खा लेना कुछ भी। मैंने कहा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ना बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर से खुशी हो रही थी कि हाँ चलो किसी की हेल्प करके ना बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और हस्बैंड भी बोल रहे थे कि अच्छा क्या तू अपने साथ ले आई, क्योंकि रिक्शे वाले और वैसे भी कोई और होता तो कहाँ क्या चीज़ डालता पैसे वैसे निकाल के, पर्स को बहुत से लोग होता ना वही वही फेंक देते हैं, मतलब हर कोई बुरा भी नहीं पड़ा है, हर कोई अच्छा भी नहीं पड़ा है। वही तो ये हस्बैंड बोल रहे थे कि अच्छा क्या कि तू ले आई और जिसका था उनको मिल भी गया, तो मुझे भी खुद में भी अच्छा लग रहा है। और चलो फिर इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, और अभी मैं थोड़ी देर में ही आधा एक घंटे में ये वाला ब्लॉग एडिट करके आज ही अपलोड करूँगी, क्योंकि मैंने दो तीन दिन से ना कुछ भी अपलोड नहीं करा है, और मैं देखूँगी अगर इसमें कमेंट ऑफ नहीं होता तो मैं ये ब्लॉग डिलीट नहीं करूँगी, अगर कमेंट ऑफ हो गया तो मैं पक्का इस ब्लॉग को डिलीट कर दूँगी, क्योंकि मेरे को ना गुस्सा आता है जब आप लोग कमेंट वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं ना। तो चलो चलो फिर मैं ना एंड करती हूँ इस वाले ब्लॉग को, बाय बाय।